ओके सो कंटिन्यूइंग विद द लास्ट लेक्चर, जहां पर हमने देखा था कि डिजिटल इंडिया में कौन से फैसिलिटीज आने वाले हैं, और वर्किंग फ्रॉम होम के बारे में बात कर रहे थे. तो वर्क फ्रॉम होम जैसे चीजें हैं जो हमें, अगर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलता है तो गांव गांव में इंटरनेट आएगा, सुधार होगा, और हम इससे के साथ ये जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है वो यूज कर पाएंगे. सिमिलरली आपको लगता होगा मैं किसी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सेक्टर का प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन द सिंपल थिंग इज दैट आज के लिए हमें क्या जरूरी है ये देखना है और उसके हिसाब से चलना है. आज के लिए डिग्री जरूरी है, आज के लिए एजुकेशन जरूरी है आगे बढ़ने के लिए. तो हमें राइट नहीं बनता या फिर हमें वो इतना राइट मिलता नहीं कि हम जाकर किसी को बोले कि अरे यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा. हम किसी के ऊपर डायरेक्टली जोर डाल दे, दबाव डाल दे कि ये बंद होना चाहिए. तो सिंपली मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स है, दे आर द सपोर्टर्स, दे आर द पॉजिटिविटी, लेकिन काम तो फिलहाल में हमें गवर्नमेंट से मिलकर ही करना है. गवर्नमेंट एज इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज से. ओके, नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज. लेट्स लेट्स स्टार्ट कि आगे क्या दिखता है. प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आई गेस पता होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर लिंक रखे है. ओके, पीपीटी में अगर आपको उस योजना के बारे में ज्यादा और कुछ पढ़ना है तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हो. मैंने लिंक रखे है जो अंडरलाइन आपको दिख रहे हैं. तो मिशन इन्वर्साइजेस इन्वर्साइजेस आई विल प्रोनाउंस दैट वर्ड बेटर नेक्स्ट टाइम. फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेस. तो इसके लिए क्या होगा, अगर आपके जनधन अकाउंट है जो गवर्नमेंट बैंक्स में है, पब्लिक बैंक्स में है, तो आपको जो भी फायदा होने वाला है गवर्नमेंट से, जो भी सब्सिडीज मिलने वाले हैं, जो भी स्कॉलरशिप्स, पेंशन्स जैसे चीजें मिलने वाली है, जो जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाली है, तो पहले क्या होता था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास आती थी, बड़े ऑफिसर, फिर छोटे ऑफिसर, फिर उनसे छोटे ऑफिसर, और फिर लोगों के बाद ऐसे. सो दैट हायरार्की मेड मोर एंड मोर करप्टिंग प्रोसेसेस. ब्राइबिंग जरूरी था, पैसे की लीकेज होती थी. लीकेज मतलब आते थे 100 रुपीज, लेकिन जब तक लोगों के पास पहुंच जाते थे तो कुछ 1 रुपया, 5 रुपये ही बचते थे. ओके, तो ये सब टालने के लिए ये योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कि जो भी करेंसी होगी, जो भी जो आपको मिलेगी, जो पैसे होंगे जो आपको मिलने होंगे, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. सो देर विल बी नो हायरार्कियल प्रोसेस कि यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, डायरेक्टली गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री टू योर अकाउंट. ओके, सो नेमली बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इज इन अफोर्डेबल मैनर. ओके, सो ये अकाउंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट्स, इंश्योरेंस, पेंशन एक्सेट्रा. सो उसके बाद आता है स्मार्ट सिटीज, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम. क्या आपको पता है स्मार्ट सिटीज के अंडर जो आता है, तो यस, आपने हाथ रेस किया मसअप, इज देर एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर? ओके, सो स्मार्ट सिटीज इज, यस, ओके, सो इट इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम, क्योंकि हर सिटी को अपनी स्मार्ट सिटी इम्प्रूव करने के लिए 1,000 करोड़ रुपीज मिले हैं, और ऐसे 100 सिटीज मैप किए गए हैं जिनको वो 1,000 करोड़ दिए अपने सिटी का डेवलपमेंट करने के लिए. ओके, द मिशन एम्स टू ट्रांसफॉर्म एंड रिजुविनेट इंडियन सिटीज. रिजुविनेट मतलब अच्छे से तुम्हाला माहिती आहे काय शब्द आहे तो, पुनर्स्थापना, किंवा आपण काय म्हणतो, पुनर्वापरच शब्द येतोय माझ्या तोंडात. ठीक आहे, सो वी नीड टू ट्रान्सफॉर्म अवर सिटीज इन टू स्मार्ट सिटीज. ऊपर दिए गए सारे मिशन्स और सब कुछ यूज करके हमें अपने सिटी को बहुत इम्प्रूव्ड बनाना है. वहां पर अच्छा एनवायरमेंट, कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक, पब्लिक व्हीकल्स होने चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो, वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कम से कम झोपड़पट्टी दैट इज स्लम एरिया, अच्छे से घर, ये सब होना चाहिए. द गोल इज टू क्रिएट 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया थ्रू सेवरल सब इनिशिएटिव्स. ओके, पुनरुज्जीवन, थैंक यू निशिकांत, दैट्स राइट, रिजुविनेशन इज अ पुनरुज्जीवन. सो हमें ये सिटीज जो
दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग है, वहां पर गंदगी है, डिसीजेस है, और ये सब हमें एक्चुअली रीप्लान करना होगा. हमारे यहाँ सिर्फ चंग प्लान्ड सिटीज है, जयपुर उनमें से एक है जो प्लान्ड सिटीज है. तो ऐसे चंग सिटीज है जो एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा. ओके, आई कैन सी सम ऑफ यू हैव रेज योर हैंड्स. इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर और आई कैन कंटिन्यू? होपफुली आई कैन. ओके, तो हमें ये स्मार्ट सिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए. उसके बाद आता है की पॉलिसीज में ही, स्मार्ट सिटीज हमने देखा. उसके बाद आता है अमृत योजना. अमृत इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमें जो अर्बन सिटीज है, रूरबन मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया है लेकिन बहुत ज्यादा अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे सिटीज के लिए, ऐसे नए टाउन्स के लिए हमें अब खुद से अच्छा अच्छे क्या बोल सकते हैं हम, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की, पुनरुज्जीवन की जरूरी है, और इसके लिए ये मिशन है. इसके लिए कुछ फंड्स दिए जाते हैं सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, और लोकल गवर्नमेंट बॉडी को जैसे महानगर पालिका, नगर पालिका, इनको काम करना पड़ता है उस फंड्स को यूज करके अपने सिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ओके ओके, सो नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देखा है. ओके, सागरमाला इज अगेन वन ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस स्कीम एम्स एट डेवलपिंग पोर्ट्स सागरमाला. ओके, सागरमाला में क्या है, आपको जो पोर्ट्स है मतलब आपले कड़े जी बंदर है उनको हमें कनेक्टिव और इम्प्रूव करना है. वहां पर एक्सपोर्ट का अगर माल आ जाए तो हमें वो अच्छे से रखने के लिए वेयर हाउसेस नहीं है, तो बड़े से जो बक्से रखे जाते हैं, बक्से एज इन नॉट ट्रॉलीज ऑफ अ ट्रक. ओके, तो ये रखने की जगह जिनको डॉकयार्ड्स बोलते हैं, तो वैसे बनाने हैं. वी नीड टू प्रमोट पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री. तो पोर्ट कब डेवलप होंगे, अगर आपके वाटर वेज, वाटर रूट्स डेवलप होते हैं, तो आपको आपके रिवर्स एक्टिवेट करनी है, आपके सी वेज मतलब जो समुद्री मार्ग होते हैं वो एक्टिवेट करने हैं, और उसके लिए ये सागरमाला प्रोजेक्ट है. और अगेन उसके लिए जो आर्टिकल है इट इज लिंक्ड हियर. ओके, उसके साथ आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करना है, और उसके लिए वो स्कीम को बढ़ावा देने के लिए ये टाइप का ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोग्राम है. तो इट्स अ अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज, सो इट इज अ इंटरनेशनल अलायंस जिसमें 121 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज. तो जहां पर सूरज उगता है, अगर आप ऐसे कंट्री में जाओ जो नॉर्थ या साउथ पोल में, तो वहां पर 6-6 मंथ के लिए सोलर होगा, सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगी. तो नॉट लाइक दोज कंट्रीज, लेकिन दोज कंट्रीज विच हैव लॉट ऑफ सनशाइन्स डेली, विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक म्हणजे प्रदेश. ओके, सो हे कैंसर म्हणजे कर्क. सो एका नक्षत्र, कर्क आहे नक्षत्र आहे. ओके, जशी रास आहे तशी नक्षत्र पण आहे आकाशातली, नक्षत्र भी है. तो कॉन्स्टिलेशन इज द वर्ड. सो कॉन्स्टिलेशन है, और उसके नीचे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उसके नीचे जो उसके नीचे जो भी एरिया आता है, उस जहां पर सनशाइन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कंट्रीज में, ऐसे कंट्रीज ये ISA के अलायंस है, पार्टनर्स है. दिस इज इंडियाज इनिशिएटिव. तो ये इंडिया ने इनिशिएटिव किया है एम्ड एट प्रमोटिंग रिसर्च प्रमोट करने के लिए एंड डेवलपमेंट इन सोलर टेक्नोलॉजीज. तो सोलर टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए ये बनाया गया है. ओके, उसके साथ हमें ऐसे पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करने हैं जो सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए, क्योंकि सोलर एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी, नॉन एंडिंग एनर्जी, इट हैज अ लिमिटलेस सप्लाई. तो उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा. तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, सोलर टेक्नोलॉजी का, और वो यूज करने के लिए प्रमोशन भी करना पड़ेगा, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे.
दैट विल बी कवर्ड अंडर ISA. उसके बाद आता है अग्नि. अग्नि और एक्सिलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन. तो इनोवेशन बढ़ाने के लिए जो अपने इंडिया का ग्रोथ बढ़ाएगा, अग्नि का फुल फॉर्म इज एक्सिलरेशन ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन, वॉज लॉन्च टू पुश द इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द कंट्री बाय कनेक्टिंग पीपल एंड असेसिंग द कमर्शियलाइजिंग इनोवेशन. तो क्या नए नए छोटे छोटे इन्वेंशन इनोवेशन है, उनको कनेक्ट करवाने के लिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए अग्नि जैसे मिशन शुरू हुए हैं. ओके, उसके साथ आता है मेक इन इंडिया के फ्यू इनिशिएटिव्स. क्या क्या एक्चुअली हुआ है इस सेक्टर में. Let's see. For the first time, the sectors of railways, insurance, defense, medical devices have been opened up for the foreign direct investment. तो आज तक बहुत कम बार ऐसे हुआ था, लेकिन आज हो रहा है कि foreign direct investment के लिए, मतलब पूरा का पूरा investment foreign से हो सकता है, ऐसे investment के लिए railway, insurance, defense, medical devices जैसे sectors खुले किए गए हैं. Okay? उसके साथ क्या हुआ है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ FDI इन द डिफेंस सेक्टर, हमारे रक्षा सेक्टर में, हमारे मिलिट्री आर्मी सेक्टर में FDI को मतलब मैक्सिमम लिमिट बढ़ाया गया है. द ऑटोमेटिक रूट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 49% टू 74%. तो कितना बढ़ाया गया है, 74% तक. दिस इंक्रीज इन FDI वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ऑन May 16, 2020. इन कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफाइड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट हैज बीन परमिटेड. तो रेल सेक्टर में 100% FDI इंप्रूव्ड परमिट किया गया है. Do you want to speak something? Okay. There is an investor facilitation cell that assists investors. तो एक ऐसी cell, एक ऐसा office और एक ऐसी division बनाई गई है जिसको investor facilitation cell, जो investment करने वाले लोग हैं, उनको help करवाने के लिए ये cell, ये office बनवाया गया है. That assist. Please mute yourself. Can you? Who's there that's talking? Can you just please don't waste such time, okay? आपका ही लेक्चर बढ़ेगा, right? थोड़ी सी केयर करो, okay? तो there are multiple things that have started and मैंने बहुत ही थोड़े वाले यहाँ पर दिए हैं. तो ऐसे investor facilitation sale शुरू हुआ है जो हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा, इन्वेस्टर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर अराइवल टू इंडिया. बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जब वो इंडिया में आएंगे, वहां से लेकर उनके डिपार्चर तक, मतलब उनके कंट्री से बाहर जाने तक, वो इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल उनको बहुत हेल्प करेगा. दिस वॉज क्रिएटेड इन 2014 फॉर गिविंग सर्विस सेक्टर टू इन्वेस्टर्स इन ऑल phases such as pre-investment phase, execution phase and also after delivery services. तो investment से पहले लेकर पूरा का पूरा setup करवाने तक और setup के बाद delivery करवाने तक भी ये सब काम है जो investor facilitation sale के लोग आपको, as a foreign investor अगर आप हो तो आपको help करेंगे. The government has taken steps to improve India's ease of doing business rank. So we are trying to improve this rank. India climbed 23 points in ease of doing business index to 77th place in 2019, becoming the highest ranked in the South Asia in this index. So South Asia mein, it is the highest rank we have achieved in all the countries in comparison. Okay, now we are at 77th place in 2019. 20 का अभी तक आया नहीं है शायद. Ease of doing business index. Okay, उसके बाद आता है the श्रम सुविधा पोर्टल. ये क्या नया नाम है और नया पोर्टल है, द श्रम सुविधा पोर्टल, ई-बीज पोर्टल etc. have been launched. The ई-बीज पोर्टल
offers single window access to 11 government services connected with starting business in India. तो एक ही विंडो ओपन करके, एक ही विंडो को खटखटाकर आप 11 गवर्नमेंट सर्विसेज से कनेक्ट हो जाते हो, सो दैट नया बिजनेस शुरू करना आपके लिए इजी हो. ओके, दैट्स व्हाट इनिशिएटिव अंडर मेक इन इंडिया. सो उसके बाद आता है व्हाट इज द डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट, एंड वी नीड टू टेक सम वर्दी नोट कि गवर्नमेंट ने आज तक इस कैंपेन थ्रू क्या क्या किया है. मतलब वो इनिशिएटिव थे जो गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, लेकिन इसके हमारे इकोनॉमी पे, टैक्सिंग सिस्टम पे क्या असर हुआ है. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रिलैक्स्ड कर दिया है. सो प्रोसीजरल सिस्टम में हमारा टैक्स, टैक्स सिस्टम में जो इन्वॉल्व रहता है वो, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए भी जीएसटी में रिलैक्सेशन हुआ है. उसके बाद आता है इन द रिसेंट पास डिजिटाइजेशन हैज टेकन द सेंट्रल स्टेज. तो डिजिटाइजेशन, कोर बैंकिंग, या फिर जो आप ऑनलाइन थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, वो बहुत ही उसको बढ़ावा मिला है. द बर्थ ऑफ अ कंपनी एंड इट्स सर्वाइवल हैज बीन मेड इजियर बाय सीमलेस ऑनलाइन सिस्टम. सो यूजिंग द ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन वेब्स, ऑनलाइन सिस्टम्स, गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि अपनी कंपनी शुरू हो और वो सर्वाइव करे, इसके लिए जितनी हेल्प कर सके वो करते हैं. द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज योर बैक ड्यूरिंग योर रेनी डेज बाय द रोबस्ट रिकंस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म. तो अगर टाइम आ जाए कि आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो या फिर बैंक्रप्ट हो रहे हो इन योर बिजनेस, तो द बैंकिंग सिस्टम्स, द फाइनेंशियल सिस्टम, द गवर्नमेंट सिस्टम ट्राई टू सपोर्ट यू ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लमेटिक डेज. Schemes like Jandhan Yojana has shown its facilitation, inclusion all of citizens. तो social security देने के लिए भी सबको include करना जरूरी है, equality लानी जरूरी है, और इसकी वजह से inclusion factors जो होता है, financial inclusion, उसके लिए Jandhan Yojana से बहुत ज्यादा फायदा करवाने का try किया है. The term FDI has been doing the round for a while now. Liberalization of foreign direct investment has been brought into an increase in the inflow of funds and has also helped in making India an open economy. So, India ko open economy banane ka prayas kiya ja raha hai. The after effects are sure to be positive due to job creation. Aur iske after effects kya hone wale hai? Hamare yaha jo jobs mil rahe hai, wo obviously badhne wale hai. The connectivity is the key to expand the business. Sagarmala program and Bharatmala Pariyojana program are trying to achieve the same. बहुत ही अच्छे अच्छे नाम है यार ये. सागरमाला, भारतमाला, परियोजना जैसे प्रोग्राम से आप अपने बिजनेसेस को आपके मार्केट से कनेक्ट करवा रहे हो, आपके टारगेट कस्टमर से कनेक्ट करवा रहे हो, और इट इज वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. इसके साथ टेक्नोलॉजी डिड नॉट हैव इट्स प्रेजेंस इन द रूरल एरियाज. इनको पता है कि रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है. हाउएवर नाउ विद भारत नेट मेकिंग डिजिटल डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज इनिशिएटिव, बहुत ही स्लोली और बहुत ही क्रॉलिंग, म्हणजे रांग्या गति ने, रंगणाऱ्या गति ने, सो वेरी क्रॉलिंग पेस वी हैव. लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हुई है कि गांव गांव में इंटरनेट हो, गांव गांव में जाकर थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़े. ओके, इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू हार्नेस पावर फ्रॉम विंड्स एंड वर्ल्ड्स नंबर 6 इन सोलर पावर. तो सोलर पावर और विंड पावर यूज करने के लिए इंडिया का रैंक बढ़ चुका है. हम आज नंबर 4 है विंड पावर को एक्सेप्ट करने के लिए, विंड पावर को यूज करने के लिए, और नंबर 6 है सोलर पावर में को यूज करने के लिए. ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग अवर सेल्फ. लेट्स सी कि एक ये जो वीडियो है उसमें हमें क्या दिखता है. इट्स अबाउट मेक इन इंडिया कैंपेन ओनली. जस्ट अ मिनट. ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? नमस्कार दोस्तों, मेक इन इंडिया का पहल गरीबों के लिए अधिक रोजगार के आपको सुनाई दे रहा है, राइट?
यस यस मेक इन इंडिया का पहल गरीबों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और उनके हाथों में अधिक से अधिक धन रूपी शक्ति देने के लिए उठाया गया एक विशाल कदम है। सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश के लिए कुशल मजदूरों के लिए नौकरी के अवसर को बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य था। विश्व के अन्य बाजारों की तुलना में भारत एक ऐसी जगह है जहां बनाने और उपभोग करने के लिए बाजार भी भारत ही प्रदान करता है। मेक इन इंडिया ने कई अवसरों में बढ़ोतरी की है। यह अवसर प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को अंकित करता है। तो जो इस पहल से लाभ उठा सकते हैं उन्हें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जहां हम आपके लिए एक बोनस लेकर आए हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लॉन्च के तुरंत बाद भारत को निवेश संकेत मिले। लॉन्च के बाद से अब तक 77 बिलियन अमरीकी डॉलर का FDI और 56 बिलियन अमरीकी डॉलर का इक्विटी प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में FDI इक्विटी इनफ्लो में लगभग 44% की वृद्धि देखी गई है। किस सेक्टर में FDI इनफ्लो प्राप्त करना शुरू किया गया है? अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्र वर्तमान में FDI के लिए खुले हैं। आपको समझ में आ रहा है रे? बहुत ही शुद्ध ऐसे हिंदी में ये बात कर रहे हैं। Are you comfortable with this, right? Okay. No. Yes. निवेशक भारत को न केवल सस्ते बल्कि अपने उत्पाद के लिए एक बड़े बाजार होने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ रक्षा क्षेत्र को हुआ है। सड़क और राजमार्ग भी उच्च गति पर बनाए जाएंगे क्योंकि सरकार व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे की वृद्धि पर जोर दे रही है। कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 25 प्रमुख क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खाद्य सामान, चमड़ा, खान, तेल और गैस, बंदरगाह, रेलवे और कपड़ा शामिल है। इस पर सरकार की नीति क्या है? सरकार का इरादा भारतमाला कार्यक्रम के तहत 5 औद्योगिक गलियारे विकसित करने और आधुनिक उत्पाद के साथ स्मार्ट शहर बनाने का है। डिजिटल इंडिया के तहत हाई स्पीड वाईफाई संचार सेवा, सरकार ने रेलवे में 100% FDI की अनुमति दी है और निर्माण के प्रतिबंध हटा दिए हैं। रक्षा और फार्मास्यूटिकल में FDI की कैप को 100% तक बढ़ा दिया गया है। ई बिजनेस पोर्टल 6 सरकारी विभागों के कार्यों को एक साथ संभालता है। हमने देखा था राइट, ईबीज पोर्टल के बारे में। भारत के सबसे कम कामकाजी उम्र वाली आबादी के कारण लाभ पाने के लिए कुशल मजदूर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुल मिलाकर भारत के उत्पाद को बढ़ाने और देश का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए कुशल कर्मचारियों को विश्व के उद्योग को नौकरी के लिए तैयार कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है ताकि अगले कुछ वर्षों में देश का GDP बढ़ जाए। तो अब इस पहल के तहत लाभ पाने वाले शेयर कौन से हो सकते हैं? तो ये जानने के लिए आपको स्टॉकेज ऐप को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ प्रीमियम ऑप्शन के तहत हमारे पास एक तैयार वॉचलिस्ट सेक्शन है जो कुछ थीम और स्टॉक को रेखांकित करता है जो सरकार की नीतियों, व्यापार युद्ध, मॉनसून, क्रूड आदि जैसे विभिन्न मापदंडों से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर आप उन सभी स्कैन की जांच कर सकते हैं जो चुने हुए स्टॉक के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्टॉक के सभी समाचार, कोई भी कॉरपोरेट घोषणा या कॉरपोरेट कार्य 60° दृष्टिकोण भी पा सकते हैं। हम सेक्शन को 1 महीने। Okay, so we are not going to watch for the advertisement. So I guess मैंने जो आपको PPT से और बहुत ज्यादा बड़बड़ करके जो बताया था वही इन्होंने 4 मिनट में छोटे से टाइम में बताने की कोशिश की है और इट्स रियली बेटर इन अ वे, राइट? होपफुली आपको ये अभी ज्यादा समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है यू कैन वॉच इट एनी टाइम्स।
तो क्या हो रहा है एक्चुअली इंडिया के सेक्टर में वो हम देखते हैं. सो मेड इन इंडिया क्या है अभी तक? रिलायंस एरोस्पेस वेपन्स लॉन्च फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये सब अभी इंडिया में खुद से बनाने के लिए आगे आया है रिलायंस एरोस्पेस कंपनी से. उसके बाद टाटा एडवांस्ड सिस्टम से पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जो अभी के लिए क्योंकि हमने हमारे पोर्ट्स, हमारे पोर्टल्स, हमारे बहुत जो बिजनेस है उनको FDI जैसे या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खुला किया है, और इसकी वजह से ये है. भारत फोर्ज जैसी कंपनी गन्स, होविजर, आर्मरेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलियंस सिस्टम जैसे सेक्टर्स में, जैसे कंपनीज में, नॉट अ कंपनी, जैसे चीजों में इन्वेस्ट कर रही है. महिंद्रा जैसी कंपनी एयरक्राफ्ट पार्ट्स कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रही है. पुंज लॉयड ने एंटी टैंक वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्म्ड आर्मरेड फाइटिंग एंड कॉम्बैट व्हीकल्स, टॉर्पेडोज जैसे चीजों पर ध्यान देना शुरू किया है. सो दैट ये सब चीजें जो पहले हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी आज घर में बनाई जाएगी ये कंपनीज के अंडर. उसके बाद आता है कि इंडिया, मेक इन इंडिया का जो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हुआ है वो कितना है, तो कौन से कंट्री में हमें कितना मान मिलता है एज अ इंडियाज बिजनेस. सो इट्स अ परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स सेइंग प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया आर स्लाइटली पॉजिटिव और वेरी पॉजिटिव. ओके, तो सिंपली जीरो से शुरू कर देते. ऑस्ट्रिया में हमें ज्यादा रिस्पोंडेंट्स नहीं है, जीरो रिस्पोंडेंट्स है. जर्मनी में 8 है, इटली में 10 है, ऑस्ट्रेलिया में 12, फ्रांस में 14, जापान में 19, US में 24, UK में 25, रशिया में 34, पाकिस्तान में 36, चाइना में 38, वियतनाम में 42, इक्वेडोर में 52, सऊदी अरेबिया में 60, बहरीन में 63 और UAE में 65. दीज आर द परसेंटेज, 65% रिस्पोंडेंट्स है जिनको लगता है कि अगर इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है देन इट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट फॉर देयर बिजनेस. इट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप्स, साउंड रिलेशनशिप. ओके, सो द प्रोडक्शन इज पॉजिटिव और स्लाइटली पॉजिटिव. इसके हिसाब से इसका स्टेट रिपोर्ट कार्ड भी छपवाया जाता है. तो 3 साल होने के बाद, ये पॉलिसी शुरू होने के बाद एक्चुअली प्लान क्या था और अचीव क्या किया है. सो हमने डिक्लेयर क्या किया था फेब्रुअरी 2016 में, और ये हमें ब्लू वाले कलर में दिख रहा है, और जो ऑरेंज वाला कलर है वहां पर दिख रहा है कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ. तो प्रोजेक्ट्स कितने थे, हमने अनाउंस किए थे 2984, दे वेर डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट, और उनमें से 1180 प्रोजेक्ट शुरू हुए है. सो इट माइट टेक अ वाइल टू जस्ट स्टार्ट एवरी प्रोजेक्ट. 39.5% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इन द प्रोजेक्ट सेक्टर. इन्वेस्टमेंट में 8 लाख करोड़ का हमारा डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट था जो बढ़ेगा ऐसे हमने बोला था, और अभी के लिए 1.02 लाख करोड़ अचीव हुआ है, दैट इज ओनली 12.5%. हमने जॉब्स 30 लाख जॉब्स नए क्रिएट होंगे ऐसा बोला था गवर्नमेंट में, और अभी तक सिर्फ 3.5 लाख क्रिएट हुए, दैट इज 11.6%. सो यू कैन सी दैट दीज आर द रिपोर्ट कार्ड्स दैट यू नीड टू स्टडी. आपको सिर्फ योजना के बारे में पढ़कर कुछ फायदा नहीं होने वाला, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसकी आज की क्या कंडीशन है, उसके चैलेंजेस क्या है, ये भी देखने पड़ेंगे. इसलिए हमारा अगला वाला पार्ट ही ये है कि चैलेंजेस अंडर मेक इन इंडिया. इंडिया इज अबाउट 60% ऑफ कल्टिवेबल लैंड, बहुत ज्यादा लैंड है इंडिया के पास जो कल्टिवेट कर सकते हैं हम, जिसपे क्रॉप्स उगा सकते हैं. द थ्रस्ट ऑफ ऑन मैन्युफैक्चरिंग इज सेट टू बी अफेक्ट एग्रीकल्चर निगेटिवली. सो जब आप मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो तो शायद एग्रीकल्चर सेक्टर उसको हार्म हो सकता है, उसको अफेक्ट हो सकता है. इट कैन इवन कॉज अ परमानेंट डिसरप्शन ऑफ एरेबल लैंड. तो क्योंकि वो लैंड पे कुछ बिजनेस बन सकते हैं तो ये लैंड कंप्लीटली हम मतलब अनयूजेबल हो जाएगा, ऐसा डर हमें है.
उसके बाद इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वी आर थ्रस्ट ऑन गोइंग ग्रीन, मतलब हम एनवायरमेंटल फैसिलिटेशन ही करने वाले हैं, इको फ्रेंडली बिजनेस बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, नैसर्गिक संसाधन, वो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाने का डर है. अ फॉल आउट ऑफ, इसलिए हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सोलर, विंड. अ फॉल आउट ऑफ इन्वाइटिंग लार्ज स्केल एफडीआई इज द टोटल फार्मर्स इज दैट लोकल फार्मर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट बी एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स. तो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, अगर वो हमारे लेस इम्प्रूव्ड, लेस स्किल्ड फार्मर्स के साथ, लेस स्किल्ड बिजनेसमैन के साथ कॉम्पीट करेंगे तो शायद हम पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि हम लार्ज स्केल एफडीआई अप्रूव कर रहे हैं. ऐसा एक डर है, लेकिन इट्स अ प्रोटेक्शनिज्म ओपिनियन. अगेन अगर आप बात करें तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लोकल फार्मर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को आगे आकर बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर अपनी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी सो दैट दे कैन कॉम्पीट विथ इंटरनेशनल प्लेयर्स. उसके बाद आता है द कैंपेन विथ ऑल इट्स फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैन कॉज पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट्स. ओके, डेफिनेटली दैट कैन हैपन एंड वी नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स बिकॉज वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डू यू रिमेम्बर दैट वी हैव एजेंडा टिल 2030. उसके बाद आता है देर आर सीरियस लैक्यूने इन द, आई विल सी द वर्ड प्रोनाउंसिएशन better afterwards, okay, in the physical infrastructure facilities in the country. So there are more problems, serious lacks, serious problems in the infrastructural facilities in the country. For the campaign to be successful, matlab jo aap bol rahe ho na daily ki hamare paas net nahi hai, hamare paas buses nahi hai, hamare paas problem hai, so that is a problem again. It is necessary to build up the infrastructure available in a country and also reduce the problems like corruptions at the lowest levels. Okay, here India can take lessons from China. Hum China se kuch seekh sakte hai, which has dramatically improved its share in global manufacturing from 2.6% in 1990s to 24.9% in 2013. So 90s mein wo 2.6% world cup manufacturing ban raha tha China mein, aur aaj 2013 mein 24.9% ban raha hai. China rapidly developed in the physical infrastructure like railway, roadway, power and airport. और हमें भी ऐसे ही improvement करना चाहिए. और इसके लिए जो भी थोड़ा interested है थोड़ा आगे जाकर पढ़ने के लिए, उनके लिए ये एक task है कि इनको 5 latest news देखनी है make in India के बारे में. They might be positive or negative. और next वाले lecture में मुझे आकर सुनानी है. Okay? इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कुछ ऐसा बड़ा वाला नहीं करना है, सिर्फ 5 की नोट्स लिखना है क्या है उसमें अंदर और वो आप बता सकते हो. नॉट 5, यू कैन टेक 1, 2, 3, लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ इम्प्रूव हो सकता है अपने बीच, देन यू शुड, यू मस्ट एक्चुअली. ओके, सो आई गेस हमने मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में देखा, मेक इन इंडिया कैंपेन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या क्या है उसके अंडर और हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे चैलेंजेस क्या है, हमारे न्यू इनिशिएटिव्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दी है और हमें क्या अपने में, गवर्नमेंट को क्या उसके टोटल काम में सुधार लाना चाहिए. ओके, दैट इज अबाउट मेक इन इंडिया कैंपेन.